पहले कानपुर चलते हैं, वहां पर राकेश जी हमारे साथ मौजूद हैं। राकेश जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? पूछिए। नमस्कार सर। पीएनबी है हमारे पास 2,000 रुपए के। ओके, लॉन्ग टर्म के लिए लिए थे, क्या करना है? ये हाल की खरीदारी में लिया है या पुरानी खरीदारी के है? नहीं, अभी हाल की खरीदारी में। ओके, तो आशीष जी ये पीएनबी पिछली बार भी बहुत सारे निवेशक 80, 82, 85 इस जोन में फंसे हुए हैं और अब दोबारा ये स्टॉक वही 72 का लेवल पार करके 75-80 तक आके थक गया, क्या करना चाहिए इसमें? जी सुमित जी, एग्जैक्टली जैसे आपने बताया, एक रेजिस्टेंस जोन जरूर बना हुआ है पीएनबी का और यही एक जोन है जहां से अगर ब्रेकआउट आ जाता तो फिर इसमें 120 तक के भी लेवल्स खुल जाते हैं, लेकिन इस बार भी थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग हमने देखा उस जोन में। लेकिन ओवरऑल जिस हिसाब का स्ट्रक्चर है सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स का और चार्ट स्ट्रक्चर जो बने हुए हैं वो काफी स्ट्रॉन्ग है, हमें लगता है कि बने रहना चाहिए इन्हें। जो स्टॉप लॉस इन्हें बस एक मेंटेन करना है, 70-50 का एक एसएल मेंटेन करे, हमें लगता है एक बाउंस बैक वापस देखने मिलेगा जो कि 82-83 के लेवल देखने मिल सकता है और उसके बियॉन्ड अगर ब्रेकआउट आता है तो फिर जैसे मैंने बोला 100 और 120 तक के भी लेवल्स पीएनबी में देखने मिल सकते हैं, तो होल्ड करने की सलाह है पीएनबी विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 70-50। ओके, तो 72-50 का एक स्टॉप लॉस लेके आप बने रहो, वो ज्यादा बेटर है। पांडिचेरी चलते हैं, सरिता जी वहां पे मौजूद है। सरिता जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? नमस्ते सुमित जी। नमस्कार मैम। मेरे पास 13 स्टॉक है फाइजर के। ओके, 8 at 4508 पे जी। और तो मैं जानना चाहता हूँ क्या इसे रखना चाहिए क्योंकि वो लॉस हो रहा है बहुत समय से। इनफैक्ट ये सरिता जी बहुत स्लो मूविंग स्टॉक है, इसे यूएस में भी बोला जाता है ये जॉम्बी स्टॉक क्योंकि बहुत धीरे धीरे चलता है और बहुत अटक अटक के रहता है आमतौर पे। वैसे नजरिया आपके लंबी अवधि का, राइट? हाँ जी। ओके, तो आशीष जी फाइजर के शेयर हैं करीब 13,4508 रुपए के दाम पे खरीदारी है, 550 रुपए नीचे है, क्या करना चाहिए? जी सुमित जी, जैसे आपने बताया ये स्टॉक काफी स्लो चल रहा है और जिस पूरा फार्मा में एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट देखने मिला, जैसे हमें औरोबिंदो फार्मा और ग्लेनमार्क जैसे स्टॉक में भी देखा एक अच्छा रनअप आ चुका है, फाइजर में अभी भी वैसा वो रनअप ड्यू है। स्टॉक वापस अपना 200 डेमा जरूर रीगेन किया है, हमें लगता है एक अहम रेजिस्टेंस एरिया जो इसे ब्रेकआउट दे चुका है, अब थोड़ा सा वेट करने की सलाह है। जो एक स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है 3850 का एक एसएल मेंटेन करे, हमें लग रहा है कि शायद इस बार का ये जो ब्रेकआउट है इसमें 40-50 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं, एक बार वहां पे वापस इस स्टॉक को एनालाइज करवा लीजिए क्योंकि वो भी एक इसका रेजिस्टेंस जोन है, तो 40-50 तक का एक जोन यहाँ बना हुआ है, वहां पे आके जब स्टॉक आए तो एक बार वापस री एनालिसिस करवा ले इसको। तो आप अभी तो फिलहाल बने रहे, लेकिन जैसे जैसे लेवल्स आपको बताए हैं अकॉर्डिंगली आप उसे फॉलो कर सकते हैं। अब बातचीत करते हैं मेघा जी से जो कि हमारे साथ जबलपुर से मौजूद है। मेघा जी नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्ते सर। नमस्कार सर, मेरे पास सारे गामा है 150 शेयर 418 पर और आईक्यू है 81 शेयर 359 पर। ओके, और दोनों में नजरिया आपका? लॉन्ग टर्म सर, लॉन्ग टर्म। ओके, तो आशीष जी एक है सारे गामा 480 रुपए के दाम पे खरीदारी है, 150 शेयर है, करीब 362 आ रहा है, 125 रुपए के आसपास लॉस है, और दूसरा आईक्यू लाइटिंग, ये हाल का ही लिस्टेड स्टॉक है, इसको लेकर आप क्या राय रखते हो? जी सुमित जी, पहले तो सारेगामा पे राय देता हूँ क्योंकि 200 डेमा पे ही सपोर्ट ले रहा है सारेगामा, एक अहम जोन है, यहाँ से एक हमें लगता है कि शायद बेस फॉर्मेशन हो गया है स्टॉक में, थोड़ी सी गिरावट देखने मिली थी हमें सितंबर मंथ में, लेकिन एक बेस फॉर्मेशन बनता हुआ देखने मिला है 350 का जो जोन है वहां पर, और स्टॉक अब तैयार है 380-385 तक के लेवल दिखाने के लिए, तो बने रहने की सलाह है। जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना है वो 350 का एक एसएल स्ट्रिक्टली इसमें मेंटेन करा, अगर 350 का इसका लेवल टूटता है इस बार तो शायद इसमें वापस 300 तक का भी जोन देखने मिल सकता है, तो 350 का स्टॉप लॉस लगाकर इसमें बने रहे। दूसरी जो इन्होंने स्टॉक बताई आईक्यू लाइटिंग, सुमित जी काफी रीसेंट लिस्टिंग है, इनफैक्ट इसी ईयर इसकी लिस्टिंग हुई थी और लिस्टिंग के बाद से इसमें कंटिन्यूसली एक सेलिंग प्रेशर देखने मिला है, स्टॉक कभी भी बाउंस कर रहा है तो वहां पे एक प्रेशर देखने मिला, आज जरूर एक थोड़ा सा पुल बैक देखने मिला है इसमें, तो थोड़ा चार्टिकली इसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस अभी तक इतने क्लियर नहीं है, जो रिसेंट स्विंग लो है 340 का वहीं पे एक स्टॉप लॉस रखे और बने रहे स्टॉक में, क्योंकि आज का जो प्राइस एक्शन है वो लग रहा है कि शायद इसमें वापस बाइंग इंटरेस्ट थोड़ी सी इमर्ज होते हुए देखने मिली है और 350 का स्टॉप लॉस लगाकर बने रहे। तो हाल का जो लो है आईक्यू लाइटिंग में 340 के आसपास, उसको ध्यान रखें और उसके हिसाब से आप बने रहे। चंडीगढ़ चलते हैं, रोहित जी मौजूद है वहां पर। रोहित जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार रोहित जी, क्या सवाल है आपका, पूछिए। सर मेरे पास वेदांता के 80 शेयर्स हैं 282 के रेट पे, तो अभी बने रहना है या लॉन्ग टर्म के लिए लिए थे मैंने? वैसे आपने खरीदारी कब की थी रोहित जी? सर ये मार्च में की थी 2023 में।
मार्च 2023, यानी कि आपको डिविडेंड मिले होंगे इसमें दो बड़े बड़े। जी जी। तो आपकी कॉस्ट और कम होनी चाहिए फिर। कोस्ट हाँ सर, वो डिविडेंड मिले हैं लेकिन कोस्ट मेरी मतलब ये थी एवरेज, अभी मैंने थोड़ी एवरेजिंग की थी तो अभी 270 मतलब एवरेजिंग में है, मतलब उसके बाद 10-10 शेयर मैंने और लिए थे अगस्त और सितंबर में। नहीं तो आपको जो डिविडेंड मिला उसकी कॉस्ट भी तो आप इसमें ऐड करोगे। जी जी जी, वो सर मेरे को अराउंड 39 रुपीज मिला है मतलब डिविडेंड भी। ओके, क्योंकि इसने मई में एक डिविडेंड दिया 19 रुपए का और अप्रैल में एक डिविडेंड दिया 20 रुपए का, तो करीब करीब आपको 39 रुपए पर शेयर का डिविडेंड ही मिला हुआ है। तो आपका जो लॉस है वो ऑलमोस्ट घट के 10 रुपए 12 रुपए के आसपास हो गया, राइट? जी सर। ओके, तो आशीष जी वेदांता वैसे ऑन अ फेस ऑफ इट तो लॉस 55-56 रुपए दिख रहा है, लेकिन डिविडेंड एडजस्ट कर दें जो कि करना भी चाहिए तो लॉस करीब 18-17 रुपए के आसपास का है। क्या करें इसमें? इसमें जी चार्टिंगली अगर मैं बोलूं तो चार्ट में तो प्रेशर कंटिन्यूअसली बना हुआ है, बट जिस हिसाब से मेटल में बाइंग इंटरेस्ट देखने मिला और चाइना में अब वापस ओपन अप जिनकी हॉलीडेज के बाद ओपन अप हुआ और चाइना के जो डेटा आ रहे वो काफी इंप्रेसिव है। आज भी हमने देखा सारे मेटल स्टॉक्स में अच्छी बाइंग इंटरेस्ट थी, फेरस एंड नॉन फेरस दोनों में। मुझे लगता है वेदांता में बने रहे, चार्टिंगली जरूर इसमें प्रेशर है बट सेक्टर टेलीवेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है मेटल्स में, जो इन्हें स्टॉप लॉस में मेंटेन करना है 218 का एक एसएल मेंटेन करे। हमें लगता है कि जो स्विंग है 250 तक के लेवल्स दिखा सकता है, तो होल्ड करने की सलाह। तो बने रहने की सलाह यहां पर दी जा रही है और आप बने रह सकते हैं वेदांता के अंदर। मुंबई चलते हैं, इंदर जी हमारे साथ मौजूद है वहां बातचीत करने के लिए। इंदर साहब नमस्कार, क्या सवाल है आपका? पूछिए। नमस्कार सर। नमस्कार जी, मेरे पास 82 शेयर बीएसई लिमिटेड के है, 616 खरीदी है और के 32 शेयर से 438 में खरीदी है। सर इंदर जी, ये आपने बीएससी प्री स्प्लिट खरीदा था या पोस्ट स्प्लिट खरीदा था, मतलब इसमें जो एडजस्टमेंट हुआ था उसके बाद? स्प्लिट सर मैंने अभी जो लास्ट न्यू 52 वीक लो 406 लगाया ना उससे पहले मैंने खरीदा है। ओके, बढ़िया खरीदारी है, वैसे मुबारक हो उसके लिए आपको। क्या करना चाहिए आशीष जी? बीएससी के स्टॉक एक बढ़िया तेजी आई है, कॉस्ट से मतलब डबल हो चुका है, तो बने रहें, निकल जाए, कैपिटल आधा निकाल लें, क्या करें इसमें जी? यूजुअली तो हम जनरली यही सलाह देते हैं जब इतना अच्छा एक रन अप आ जाए तो कैपिटल जरूर एक बार निकाल लेने के लिए, बट बीएससी का जिस हिसाब का सेटअप है और जिस हिसाब के इसके फंडामेंटल्स बन रहे हैं और जब से इन्होंने ऑप्शंस लॉन्च किया और अपने मंडे को बैंकेक्स की एक्सपायरी मूव कर रहे हैं, हमें लग रहा है ये स्टॉक में और पोटेंशियल है और जिस हिसाब का बाइंग इंटरेस्ट बन रहा है हर डिप में इसमें खरीदारी देखने मिलती है, तो इसमें होल्ड करने की सलाह है। सिर्फ अभी ट्रेल करके अपना एसएल जो है वो करीब करीब 1350 का एसएल रखे, इसमें मेंटेन करे और पूरी की पोजीशन में बने रहे। इनफैक्ट कोई डिप आता तो उसमें जरूर ऐड करने की भी सलाह रहेगी। हमें लगता है इसमें शायद 1750 तक के भी लेवल्स देखने मिल सकते हैं, तो होल्ड करने की सलाह अगर इनका लॉन्ग टर्म का व्यू है तो स्टॉक में। तो दूसरा जी, तो 1750 तक की चाल शायद यहाँ पे आते हुए दिखाई पड़ सकती है, तो आप बने रहें वो ज्यादा बेटर रहेगा। ओपी जैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं हिसार से बातचीत करने के लिए। जैन साहब नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्कार, कृष्णा डायग्नोस्टिक के हैं, 960 में लिए हुए हैं। ओके, तो कृष्णा डायग्नोस्टिक आशीष जी 960 पे खरीदारी है, 60 शेयर है और करीब करीब 690 रुपए का मौजूदा सर है, 270 रुपए पर शेयर घाटा है, कैसे रीड करें इसे? जी सुमित जी, इनफैक्ट मेरे ख्याल से शायद इन्होंने आईपीओ के समय ही इस शेयर में इन्वेस्ट किया और उसके बाद तो काफी गिरावट देख ली है इन्होंने। अब स्टॉक एक थोड़ा सा वापस चाल ऊपर की तरफ देना में स्टार्ट किया है और जिस हिसाब से वापस डायग्नोस्टिक शेयरों में बाइंग इंटरेस्ट देखने मिली है, मैं लगता है कि बने रहे स्टॉक में। जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना वो 650 का एक एसएल मेंटेन करे। जिस हिसाब का स्ट्रक्चर है मुझे लगता है इसमें 785 से 800 तक के लेवल्स जल्द देखने मिल सकते हैं। 785 और 800 तक के लेवल्स यहां देखने को मिल सकते हैं। रितेश जी हमारे साथ मौजूद हैं बोकारो झारखंड से बातचीत करने के लिए। रितेश जी नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्कार। मेरे पास दो शेयर हैं, एक एनर्जी एक्सचेंज और आईएक्स, वो 1100 शेयर है 168 पे, और एक है न्यूको विस्टा, वो मैंने आईपीओ में लिया था और अभी उसका मतलब एवरेज प्राइस मेरा 420 के आसपास है। जी, तो दोनों में समय क्या दे सकते हैं आप रितेश जी? लॉन्ग टर्म के लिए मैंने सोचा था। ओके, तो आशीष जी एक तरफ है आईएक्स, ये चला एक तरफा और उसके बाद सभी रिटेल निवेशक ट्रैप हुए और तब से इसमें फंसे हुए हैं क्योंकि ये चला ही नहीं उसके बाद से, एक तरफा चाल के बाद जब स्प्लिट हुआ और उसके बाद हिला ही नहीं है।
और दूसरा नुवोको विस्टा, एक कैपेबल एसेट है, देश की पांचवी सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी होने के बावजूद स्टॉक ने वो रिएक्शन नहीं दिया जो एक्सपेक्ट कर रहे थे सब। सो कैसे रीड कर रहे हो आप इन दोनों को? जी सुमित जी, काफी डिसअपॉइंटमेंट किया है आईएएक्स ने जब से स्प्लिट हुआ था। मेरे ख्याल से 240-250 का जो जोन था वहां पे स्प्लिट आया था, और पोस्ट कोविड ये पूरे प्लेटफॉर्म वाले कंपनीज में एक बहुत अच्छा रनअप था, उसी समय ये चला। बट उसके बाद से जो प्रेशर बना है इसमें, हर उछाल में इसमें एक सेलिंग प्रेशर देखने मिलता है और वापस स्टॉक स्लिप हो जाता है। 200 डेमा एक अहम रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ है। हमें लगता है कि कोई भी उछाल आए तो इसमें से एक बार एग्जिट करने की सलाह है। ये जो लॉन्ग है अगर रख रहे हैं तो 130 का एक स्टॉप लॉस बनाकर रखें, और कोई भी उछाल आए तो वहां पे एक बार एग्जिट करने की सलाह है, क्योंकि ये एज अ इन्वेस्टर फ्रेंडली या लॉन्ग टर्म लेवल के स्टॉक नहीं है। नुवोको विस्टा की अगर मैं बात करूँ तो जरूर रिसेंट लिस्टिंग है, लास्ट ईयर 2021 की लिस्टिंग है, बट ओवरऑल सीमेंट सेक्टर में अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है। और जिस हिसाब का पोस्ट जो ACC एंड अंबुजा के बाद सीमेंट सेक्टर में एक वापस अच्छा मूव देखने मिला हमें, तो इसमें होल्ड करने की सलाह है। 350 का एक SL मेंटेन कर रहे हैं नुवोको विस्टा में, हमें लगता है कि इसमें 400 तक का लेवल जल्द देखने मिल सकता है। तो नुवोको विस्टा और IEX दोनों को लेकर आपने आशीष जी की राय अभी अभी सुनी। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटेंगे और आशीष जी से एक रैपिड फायर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा सवाल जो कि सोशल मीडिया पर हैं उस पर हम बातचीत करते हैं छोटे से ब्रेक के उस पार। और हमारे साथ आशीष बहेती सर मौजूद हैं पुणे से, जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं। और अब ज्यादा से ज्यादा सवालों को लेते हैं जल्दी से जल्दी डिजिटल मीडिया के जरिए। पहला सवाल आया है पराग अशर साहब का, उन्होंने एक सवाल पूछा है NMDC को लेकर। 1320 रुपए के दाम पर उनकी खरीदार, 1320 शेयर है 113 रुपए के दाम पर। आशीष सर, आज का स्टार परफॉर्मर था ये, क्या करना चाहिए ना? जी सुमित जी, मेटल्स सारे शेयरों में एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट पूरा देखने मिला है, स्पेसिफिकली नॉन फेरस में। और जिस हिसाब से मैंने बताया कि चाइना ओपनिंग के कारण काफी अच्छा मूवमेंट इसमें देखने मिल रहा है चाइना के डेटा के बाद, तो होल्ड करने की सलाह है। जो इन्हें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 148 का SL मेंटेन करे। जिस हिसाब का स्ट्रक्चर है हमें लगता है 170 तक का लेवल इन्हें जल्द देखने मिल सकता है। ओके, देवेश नायर साहब ने एक सवाल पूछा है, इनके पास लेमन ट्री के शेयर हैं 118 रुपए के दाम पर, और दावत के शेयर हैं यानी कि वो चावल वाली कंपनी जो है 1050 रुपए के दाम, 1050 शेयर 178 के दाम पर, क्या करें इन दोनों में? जी सुमित जी, लेमन ट्री का चार्ट स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, और जिस हिसाब से पूरे होटल इंडस्ट्री स्पेशली इंडियन होटल्स एंड लेमन ट्री का मूवमेंट है चार्ट पे वो काफी इंप्रेसिव है। होल्ड करने की सलाह है लेमन ट्री। जो इन्हें कॉस्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, इनकी कॉस्ट से थोड़ा सा नीचे 116 का SL मेंटेन करे, मुझे लगता है इसमें 130 और 135 तक के लेवल इन्हें जल्दी देखने मिल सकते हैं। दूसरा जो स्टॉक आपने बताया मेरे ख्याल से GPIL, नहीं वो KRBL जी। KRBL थोड़ा सा कंसोलिडेशन में फंसा हुआ है स्टॉक, एक अहम रेजिस्ट सपोर्ट एरिया के पास आ गया है वापस। इसका 200 डेमा जो है 370 का जो जोन है वहां पर वापस ये स्टॉक अप्रोच करता हुआ देखने मिल रहा है। वहीं पे एक स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना है, 380 का SL मेंटेन करे और होल्ड करे, हमें लगता है इसमें शायद एक वापस पुल बैक देखने मिल सकता है जिसे 410 तक का लेवल दिखा सकता है। जी पुनीत चतुर्वेदी साहब लखनऊ से पूरे परिवार के साथ आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं, 50 शेयर रिलायंस इनके पास है 2283 रुपए के दाम पर, क्या करना चाहिए, क्या ये और खरीदारी कर सकते हैं? जी सुमित जी, इनफैक्ट रिलायंस हमारे हिसाब से काफी रिस्क रिवॉर्ड के लिए काफी फेवरेबल स्पॉट पर है, जरूर ये इन लेवल्स पे और ऐड कर सकते हैं। जो इन्हें पूरा स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 2300 का ही एक SL मेंटेन करे अपने टोटल पोजीशंस पे, और हमें लगता है इसका जो 200 डेमा है 2400 का जो जोन है इसका ब्रेकआउट बनता है तो इसमें वापस 2500 और 2550 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं, तो रिलायंस ऐड करने की सलाह है इन लेवल्स पे। डिस्क्लेमर लूँ उससे पहले, एक सवाल संदीप जैन साहब का आया है, वो भी रिलायंस जियो फाइनेंशियल पे पूछ रहे हैं, 240 रुपए के दाम पे खरीदारी है 400 शेयर, यहाँ पर भी ऐड कर सकते हैं, क्या करें? जी सुमित जी, जियो फाइनेंशियल्स में भी ऐड करने की सलाह है, हमें लगता है अगर थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का व्यू है इनका 1-2 साल का तो जियो में अच्छा है, इन्हें रिटर्न्स देखने मिल सकता है। आपकी इनकी बुक है तो रिसेंट लिस्टिंग तो चार्ट पे ज्यादा कुछ डेटा नहीं है, बट जिस हिसाब से फंडामेंटली ये जो स्टॉक है तो काफी स्ट्रेंथ है तो होल्ड करने की सलाह है। इनफैक्ट इन लेवल्स पे भी ऐड किया जा सकता है। जो इन्हें SL मेंटेन करना है 215 का एक कलेक्टिव SL मेंटेन करें। ओके, साहिल ठाकुर साहब पूछ रहे हैं कि इनके पास अदानी पावर के 150 शेयर हैं 287 रुपए के दाम पर। जी
जी, अडानी पावर का थोड़ा सा प्रेशर में देखने मिल रहा है, और जब से ये पिछले 3-4 दिनों में आप देखिए अडानी के स्टॉक, सारे स्टॉक्स में एक अच्छा सेलिंग प्रेशर देखने मिल रहा है। हमारी सलाह एक बार एग्जिट कर ले अडानी पावर से लेवल्स पे। ओके, इसके अलावा एक सवाल आया है मोलटेक पैकेजिंग को लेकर। ये सवाल पूछा गया पिंकू कुमार जी की जरिए। इनके पास मोलटेक पैकेजिंग के शेयर है 956 रुपए के दाम पर, क्या करना चाहिए इन्हें? सुमित जी, इस स्टॉक में काफी प्रेशर है। इनफैक्ट जुलाई से अगर आप देखेंगे चार्ट्स ऑफ कंटिन्यूअसली, जो इसका 1000 का लेवल था वहां से जो स्लिप चालू हुआ है, कंटिन्यूअसली गिरावट है। हमारी सलाह इस पे से एग्जिट कर लें। नितिन अग्रवाल साहब के पास बैंक ऑफ इंडिया के 250 शेयर है 112 रुपए पर, ये क्या कर सकते हैं? सुमित जी, ओवरऑल पीएसयू बैंक्स में बाइंग इंटरेस्ट काफी अच्छा बना हुआ है, होल्ड करने की सलाह है। जो इन्हें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 103 का एसएल मेंटेन करे, हमें लगता है बैंक ऑफ इंडिया में वापस 115 तक के लेवल इन्हें देखने मिल सकते हैं। ओके, और जाने से पहले सोनू सचन साहब का सवाल, हैप्पीएस्ट माइंड पर लॉन्ग टर्म के लिए कहाँ एंट्री करनी चाहिए इन्हें? सुमित जी, अगर मैं लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री करूँ तो शायद हैप्पीएस्ट माइंड से बेटर वेल प्लेस्ड एलटीडीएस और बिल्डासॉफ्ट जैसे स्टॉक्स है। अगर इन्हें मिड कैप आईटी में ही जाना है तो हैप्पीएस्ट माइंड की अगर मैं बात करूँ तो इसमें जरूर एक प्रेशर देखने मिल रहा है। स्टॉक जहाँ बाकी बिल्डासॉफ्ट और एलटीडीएस जैसे स्टॉक अपने 52 वीक हाई पर है, ये